हम सेवा में रहेंगे, और अगर सेवा करने के लिए हमको दो चार लोगों को सुधारना भी पड़ेगा रास्ते पे, तो वो सुधारने के लिए भी। सुधारने का मतलब कैसे सुधारेंगे? पुलिस के पास लाके सुधारेंगे या फिर अपने बिल्कुल कर दी सेना जिस तरीके से सुधारती है उस तरीके से भी सुधारेंगे, और पुलिस के पास लेकर जाकर भी सुधारेंगे। क्योंकि सुधारने की बात कर रहे हैं, सुधारने की बात को लेके अगर मैं फिल्म सिटी लौटूँ तो हमेशा अधिकतर कुछ फिल्म ऐसी आती हैं जहाँ करनी सेना बॉलीवुड के हीरो को सुधारने की बात करती है। जी बिल्कुल। तो क्या तरीका रहता है आपका, बताएंगे? सोशल मीडिया में बहुत सारे तरीके हैं। जो बात ये होता है ना कि शब्दों से अगर कोई नहीं समझता तो उसको एक्शन से समझाना पड़ता है ना। बिना एक्शन के अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग बातों से सुने तो ठीक, ये तो लातों से भी उसको समझाने का काम कर दी सेना अपने लेवल पे कर लेगी। तो पठान मूवी जो आ रही, मैं फिल्म सिटी पे ही पहुँच रहा हूँ, पठान जो आ रही है उसमें भी करनी सेना ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया भगवा को लेकर, कलर को लेकर के। तो आपने ही कराया है या वो भी बयान और किसी पे देंगे? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या है ना, अभी करनी सेना समाज सेवा कर रही है, बराबर है। करनी सेना का बॉलीवुड में भी बहुत सारा नाम हो गया है। जानबूझ के अपनी फिल्म की फ्री में पब्लिसिटी कराना है तो कुछ हिंदू धर्म को लेकर सेना को पकड़ लो, करनी सेना को पकड़ लो, हिंदू धर्म से थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लो, ऑटोमेटिकली हम लोग मीडिया में आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती, फिल्म की पब्लिसिटी इतनी हो जाती कि उनकी टीआरपी बहुत बढ़ जाती। लेकिन अब इस बार है ना, हमने भी अपना दिमाग लगाया, अब हम शाहरुख खान को पहले नहीं पकड़े, हम पहले पकड़ेंगे सेंसर बोर्ड को, है ना। सेंसर बोर्ड से क्लियर हो रही है ना, अब वो जो बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हैं जो ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं, जरा हम उनसे समझेंगे कि आपने किस लेवल पे इसको क्लियर किया है। तो इनको फुटेज देने से बेटर मैं पठान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इनके बारे में बात करने से बेटर मैं अपने देश के संविधान के बारे में बात करूंगा, मैं सेंसर बोर्ड से पहले बात करूंगा। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी सेंसर बोर्ड का घेराव करनी सेना अपने लेवल पर करेगी, और सिर्फ पठान ही नहीं, देश के विरोध में, संस्कृति के विरोध में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको बहुत सही तरीके से सही लाइन पे लाने का कार्य करनी सेना की तरफ से होगा। लेकिन जो फिल्म वाले फ्री में पब्लिसिटी ले रहे हैं अब वो करनी सेना उनको देंगे। यानी ये दोनों बयान का मतलब सीधा ये हो गया कि जो एक्टर और जो एक्ट्रेस मूवी बनाएगी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे, हम सेंसर बोर्ड जाएंगे। और इसी तरीके से किसी बयान पे अगर किसी नेता का भी बयान आता है एक्शन के तौर पे, तो उस बयान देने वाले को नहीं बल्कि हम नेता को पकड़ेंगे, ये करनी सेना का कहना है। और इनका दावा है कि हमारी ही करनी सेना ओरिजिनल करनी सेना है। कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।